दिल से सैल्यूट इन सनातनी भाइयों को जिन्होंने आज विकासनगर हररपुर मार्ग पर 3 दिन से जैन बाग के पास नाले में फंसे नंदी को भारी मशक्कत के साथ रेस्क्यू किया। स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि यह 3 दिन से नाले में भूखा परेशान हो रहा था। इस अभियान में प्रदीप कुमार, प्रखंड मंत्री, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल विकासनगर, रवि माहेश्वरी, रोहित साहू, शुभम सकलानी, अमन, अंकित आदि का विशेष योगदान रहा। हम इस समय मौजूद हैं जैन बाग के पास में और हमारे साथ में एक शख्स है। जी आपका नाम? जी ये जो नंदी गिरे हैं ये कितने दिन से हैं यहाँ पे? परसों देखा था, परसों मैंने कोई मिला तो है नहीं मुझे। हमारी महिला आती है, उसको मैंने बोला मगर आंटी जी इसमें नंदी है, इसमें उसको निकलवाने नहीं। बच्चे बेचारे के निकलवाओ, कहाँ से खाएगा कहाँ से पिएगा ये। कहते भाई यहाँ किसी को कहूँ नहीं, उसने पता नहीं किसको बताया नहीं बताया उसके बारे में। कल तो मैं आया नहीं। तो मतलब जिस समय गिरा था तो आपने देखा था लड़ाई हुई थी? मतलब नहीं, ये मैंने देखा नहीं, मैंने ऐसे ही निकलता फिरता देखा। जी बजरंग दल के द्वारा यहाँ पर जो है एक सांड जो नाली में गिर गया था उसको निकाला गया है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी भाई साहब, मेरा सबसे पहले तो जितने भी अपने सनातन धर्म के प्रेमी हैं या अन्य जितने भी राष्ट्रवादी संगठन है, मेरा सभी से कहना है बेजुबान जानवर होता किसी प्रकार से ऐसी जगह पर फंस जाता है, तो सबकी एक सामान्य प्रकार के पशुओं को क्या करे, तुरंत कार्रवाई करके उनको बाहर निकाले, क्योंकि वो 4 दिन से पड़ा हुआ था और कोई भी इसमें कार्रवाई नहीं कर रहे थे। अपने अमन जी है और ये भाई साहब जी है और चौधरी जी है, इन लोगों ने हमें बताया और हम 10 से 15 मिनट में आए और मजबूत करते हुए। फिर प्रशासन भी इसमें क्या छुपी बनाए बैठा था, 4 दिन से लोग इधर उधर घूम रहे थे उसमें, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जिम्मेवारी बनती है। इस प्रकार जो बेजुबान जानवर है वो किसी को अपनी जो दर्द पीड़ा है वो बता नहीं सकता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्तियों की और जो जिम्मेवार व्यक्ति है, चाहे SDM जी हमारे, उनकी भी जिम्मेवारी है। जो पशु का एक विभाग आता है अपना, जो सुरक्षा के लिए उनका बहुत बड़ा एक रकम आती है, और गो रक्षा के नाम पर यहाँ पर इतने बड़े बड़े डोनेशन के जो बैग रखे जाते हैं जगह जगह दुकानों में, कम से कम 10,000 या 1,000 तो मैं मानता हूँ पूरे विकास नगर में लगते होंगे, 7,000 रुपये पर मंथ यहाँ से इकट्ठा होकर जाता है। कम से कम ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, 70 लाख रुपये एक महीने का या पूरे साल भर का जाता होगा, उसमें से कम अगर 10,000 रुपये या 20,000 रुपये ऐसे पशुओं की सुरक्षा में लगाते हैं तो बहुत बड़ा क्या होगा, ये पुण्य पुण्य का कार्य है, क्योंकि पशु है वो किसी को अपनी जो दर्द है वो बता नहीं सकते। तो हम सबकी जिम्मेवारी है इस प्रकार के कार्यों में रहना चाहिए, भले ही बजरंग दल के कार्यकर्ता या अन्य संगठन के कार्यकर्ता। मेरा सबसे एक निवेदन है कि राष्ट्रवादी जितने भी संगठन है, गौ और पशु और हमारा जो प्रकृति के जो जितने भी अंग हैं हम उनसे जुड़े रहते हैं, प्रकृति के जो भी पशु हैं उनकी जो सुरक्षा है हमारा एक कर्तव्य बनता है, उसके लिए हम सबको आगे खड़ा होना चाहिए। जय श्री राम। ये नंदी महाराज का रेस्क्यू यहाँ पर बजरंग दल के द्वारा। नंदी महाराज 3 दिन से बंद थे। जय श्री राम। जय जय।